नायब तहसीलदार शंकरगढ़ के बिगड़े बोल, बदनाम करने में लगे हैं योगी सरकार। सरेआम सीनियर अधिवक्ता को उखाड़ लेने की दे दी धमकी, अधिवक्ता सुनते ही हुए स्तब्ध अधिवक्ताओं में रोष। प्रयागराज जनपद के तहसील बाराम में मुकदमे की पैरवी को लेकर एक वरिष्ठ अधिवक्ता व नायब तहसीलदार में हो रही थी बातचीत। उसी दौरान नायब तहसीलदार राकेश कुमार यादव शंकरगढ़ आपा खो बैठे और धमकी भरे लहजे में बोले, एक साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग उखाड़ते उखाड़ते थक गए, अभी भी उखाड़ रहे हैं, आप भी उखाड़ लो, जहां जाना हो जाओ। नायब तहसीलदार शंकरगढ़ के अपशब्द के बिगड़े बोल, जो बारा तहसील में चर्चा का विषय बन गया है। शंकरगढ़ की सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाना तो दूर की बात, उखाड़ लेने की दिया सरेआम धमकी, अधिवक्ताओं से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों में रोष। पूर्व में भी नायब तहसीलदार द्वारा कूटरचित रचना रचकर फंसाने की एक वोटकारी पर रची थी साजिश, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, इन पर लगा था आरोप। नायब की बोल हो गई नवाब की तरह, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय। सीनियर अधिवक्ता बघेल सिंह ने बार एसोसिएशन से न्याय की लगाई गुहार, सरकार को जमकर बदनाम करने में जुटे नायब तहसीलदार शंकरगढ़। दूसरे दिन भी तहसील प्रांगण में वकीलों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील प्रांगण में नायब तहसीलदार को तहसील से बाहर कर दिया। वकीलों ने नायब तहसीलदार को सीनियर अधिवक्ता से माफी मांगने को भी कहा। नाराज अधिवक्ताओं ने जमकर तहसील प्रांगण में नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सीनियर अधिवक्ताओं में उपस्थित रहे रूपेश त्रिपाठी, सुभाष चंद्र शुक्ला, परिहार अरविंद त्रिपाठी, नीलू शिवम मिश्रा, कलीम रत्नाकर, मनीष अशोक बिंद, विजय अख्तर, नईम अहमद, राकेश त्रिपाठी, सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे और मौके पर थाना प्रभारी बारा विनोद कुमार अधिवक्ता को समझाते रहे और मामला शांत कराया गया। खास रिपोर्ट राजेंद्र पांडे, प्रयागराज।